इच्छा ही नहीं है तो मुर्दा हो गया। अभी मुर्दे को खिंचाने वाला कौन सा चाहिए? तो बोलता है कि दूसरे के प्रेरणा से बालबुद्ध के वश होके वो विषय का सेवन करता है। बोला तुम देखेगा खाता भी है, पीता भी है, पहनता भी है, घूमता भी है, कभी नैनीताल गया, कभी मथुरा गया, कभी इधर गया, कभी उधर गया। तो तुम सब बोलते भाई ज्ञानी तो भाई अपनी इच्छा से जैसे चलता है, जैसे तुम जाता है स्टेशन पर तो समझता जैसे हम जाता है ना अपनी इच्छा से, ज्ञानी भी अपनी इच्छा से चलता है। ज्ञानी भी अपनी इच्छा से जरूर खाता होगा। दादा कभी कभी बोलता था आज ये फलानी मिठाई बनाओ, तो जो नए आदमी थे तो वो बोलता था दादा को इच्छा होगी, दादा तुम सबके लिए मिठाई बनवाता था। नहीं इनका मगज होगा, ये इतना जो ज्ञान सुनता है तो मगज इसका वीक हो जाएगा, कैसे सुनेगा ज्ञान, कैसे ब्रह्म ज्ञान इसके मगज में बैठेगा। भाई इनको मिठाई खिलाओ, भाई इसके लिए फलानी चीज खिलाओ, इसके लिए फलानी चीज, ऐसा नहीं बोलता था इसके लिए, बोलता था बनाओ बस। तो सब समझते थे दादा को शायद चाहिए या कुछ उसको शायद अच्छी लगती है ये चीज, उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। वो फीका बिल्कुल खाता था, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, बैठे ऐसा दिखाई देता था जैसे वो खाता है, लेकिन खाता बिल्कुल अपनी मर्जी पर नहीं था। नहीं उसको इच्छा होती थी कि फलानी चीज मेरे को चाहिए। तो भी हमने ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति सामने देखी है तो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये बात। जिसने ब्रह्म ज्ञानी को देखा ही नहीं होगा वो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा, बाहर से उसका कर्म देख के भाग जाएगा। ज्ञानी ज्ञानी खाता है, पीता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, ज्ञानी हुआ। हमको बोलता है तुम मेरे चावल हो और खुद दो सब कुछ कर रहा है। ऐसी तरह से अज्ञानी सब जलते रहते थे। भाई अज्ञानी लोग बोलते थे तो ये तो हमारे से भी शौकीन है, सूट नहीं पहनता है, बुट नहीं पहनता है, साड़ी नहीं पहनता है, इधर नहीं जाता है, ऐसा नहीं करता है। लेकिन हमको पता था जो हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ हमको ही पता है तो वो कैसे मेरे साथ है, कैसे जितेंद्र है, एक एक इंद्री के ऊपर उसको उसको वश में है एक एक इंद्री, कहां भी वो जाता नहीं था अपनी इच्छा से। जब हम उठाते थे तो उठता था, बैठते थे तो बैठा था, खाते खिलाते थे तो खाता था, बस मुंह खोल के ऐसा खड़ा होता है हो जाए, आंख बंद मुंह खोल के भाई फलानी आके खिलाती है और इसका भगत आके खिलाता है, बस उसको ये पता नहीं था क्या खिलाता है। वो अपने नशे में अपने आत्मा के ब्रह्म उसको इतना प्यारा था, ब्रह्म और आत्मा इतनी प्यारी है, करोड़वाड़ी दिन में बोलता था मैं ब्रह्म और तू ब्रह्म, करोड़वाड़ी ब्रह्म बोलता था एक बारी में, इतना वो प्रीति वाला था आत्मा में, जो प्रीति वाला है, जो आत्मा में तृप्ति वाला है, जो आत्मा में ही रमण करता है, वो कब खाता है, कब पीता है, कब सोता है, कब जाता है, कब घूमता है, कब फिरता है, जो उसके नजर में ही आत्मा है, ख्यालों में तुम है, नजारों में तुम है, तो जन्नत नहीं है तो ये क्या है। ये हमेशा बोलता है भाई मेरे ख्यालों में भी ब्रह्म है, तो दिल में भी ब्रह्म है, दिमाग में भी ब्रह्म है, और तुम सबको मैं ब्रह्म करके देखता हूँ, तो मैं कब स्त्री देखूंगा, कब पुरुष देखूंगा, कब खाना देखूं, कब पीना देखूं, कब घूमना देखूं, कब कपड़ा देखूं, क्या देखूं। जिसके नजर में ब्रह्म आ गया तो बोलता है जो अपनी इच्छाओं वासनाओं से बिल्कुल शून्य है तो उसका शरीर प्रारब्ध वश चलता है और दूसरे के प्रेरणा से चलता है। जैसा एक आदमी निद्रा खड़ा बच्चा जो थोड़ी नींद थोड़ा जाता है आधी रात को, तुम निद्रा खड़े बच्चे को बोलो उठो दूध पियो, उठो ऐसा करो, वो करता तो है लेकिन फिर जब सुबह को उठ के तुम पूछेगा तुमने दूध पिया, बोला मम्मी मैंने कभी नहीं पिया। ज्ञानी की अवस्था निंदा करे बच्चे की के लिए दिखाया है भाई, जैसे नींद में कोई आदमी पड़ा रहे आधा नींद आधा सुला के उसको, फिर उठा के नींद में सोया पड़ा तो उठा के रात को कोई भी कर्म उसी से लियो, फिर वो सो जाएगा, उसको याद नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञानी से तुम कर्म लेता है, तुम बोलता है इधर चलो, इधर बैठो, इधर सो जाओ, अभी इधर खाओ ये पहनो ये करो, तुम्हारी प्रेरणा से ज्ञानी चलता है, उसके अंदर इच्छा एक भी नहीं। जैसे एक आदमी बैठा था रास्ते में तो किसी ने बोला आके अरे ये उठाओ सामान उठाओ ऐसा करो, उसने कर दिया, नहीं करता है तो सिपाही की मार खाता है। इसी प्रकार वो नहीं कैसे करेगा, ज्ञानी हचीला भी नहीं है ना, जो हाँ करे और ना करे, अगर ना करता है तो भी अच्छा है, जिद है ये प्रारब्ध वश होके वो सब अपने को ऐसा ढीला छोड़ देता है भाई जैसा भी शरीर चले तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी इसको चलाओ। जरबर्ग एक दिन बैठा था रास्ते में, ब्रह्मज्ञानी था लेकिन अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता था, जैसे ये शरीर जड़ है तैसे जड़ करके रखा शरीर को, कुछ भी नहीं करता था अपनी इच्छा से। एक दिन बैठा था, अचानक राजा एक पालकी में जा रहा था, रहुगण राजा रहुगण पालकी में जा रहा था, तो चार आदमी उसको उसकी पालकी उठा रहा था, तो एक आदमी बीमार हो गया रास्ते में, बोला भी कहां से लाऊं आदमी, जड़ बढ़ता था बांधा बैठा था अकेला, उसको पकड़ के बोला रे इधर आओ,
पालकी उठा, तो उसने चुपचाप पालकी उठाई, तो था मोटा इतना, चलने में थोड़ा ऐसा हिल रहा था ये सारा रथ। तो उसने राजा ने अंदर से बोला, अरे कौन से मोटे आदमी को दिया है ये रथ सारा ऐसा हिल रहा है, किसको तुमने दिया है ये रथ उठाने के लिए? बोला ये एक आदमी बैठा था ऐसे ही दूर बंदा, मजदूर था का पता नहीं कौन है, उसी को दिया। तो बोला इस बेचारे को बहुत ही भारी हो रहा है शायद, ये उठा नहीं रहा है, कंधे पर इसको बहुत बोझ है। तो उसने बाहर से ही बोल दिया, राजा ये कंधे पर पालकी है और कंधा कंधा पेट पर है, पेट घुटने पर है, घुटना पाँव पर है, पाँव का आधार धरती पर है, धरती का आधार आत्मा पर है, मैं थोड़ी उठा रहा हूँ। हैरान हो गया राजा, एकदम बोला चुप करो इधर ठहरो, तो हम उतर गए और इसका दर्शन करेंगे कौन। एकदम उसके पाँव पर गया, भाई तुम तो मेरा गुरु लगता है जैसे, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी है, अरे इससे काहे के लिए उठवाया है, ये तो पाप करता है, ब्रह्म ज्ञानी से उठवाया हमारा रथ। तो उसको बोला भाई तुम मेरे को ज्ञान सुनाओ, ये क्या सुनाया तुमने, इधर का बोझ इधर का बोझ इधर का बोझ आत्मा पर, सारी धरती आत्मा के ऊपर खड़ी है, सारी प्रकृति आत्मा के ऊपर खड़ी है, ये आत्मा के ऊपर ही सब कुछ है, मैंने बोझ नहीं उठाया। बोला ये सच्ची बात सुना है, तो उसको आत्मा का ज्ञान दिया। उधर ही बैठ गया वो, बोला मैं गुरु ढूंढने के लिए दूसरे शहर में जा रहा, अभी तो मेरे को रास्ते में गुरु मिल गया। तो उधर ही उसको ज्ञान देके फिर उसको बोला हमारी राजाई में चलो, जगभक्त को बोला, बोला राजाई में चल के क्या करूँ, हमको राजाई चाहिए क्या तुम्हारी, तुमको आत्मा का आनंद हो गया, मुक्ति हो गई, तुम चले जाओ, हमको छोड़ दियो, गुरु किसी के राजाई के ऊपर नहीं मोहित होता है। तो अच्छा मैंने इसको ज्ञान दिया तो मैं इसकी राजाई जाके मांगू, नहीं कोई भी राजा नहीं है गुरु के आगे, भगवान के आगे कौन राजा है, वो राजाओं का राजा मेरे था, उसको क्या चाहिए जो किसकी राजाई में जाके और ऐसा करेगा। मैं बोला नहीं हम नहीं चलेगा, तुमको ज्ञान हुआ बस घर लिख के लियो। तो इसी प्रकार से जैसे गर्भवत को ऐसा काम करवाया गया लेकिन उसने नहीं किया, ऐसे ज्ञानी से भी करवाया जाता है, वो खुद नहीं करता, वो बिल्कुल निर्णय है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, नहीं कुछ करता है, नहीं कुछ भोगता है, नहीं कुछ चाहिए, लेकिन तो भी तुम ऐसा देखेगा तो भाई ये कर रहा है, ये जैसे भोग रहा है, ये जैसे मजा ले रहा है, लेकिन उसके नजर में कोई मजा नहीं है, उसके नजर में तो अपनी आत्मा का ही आनंद है, बस वो इतना आनंद में रहता है जो छोटे छोटे मजे में वो मोहित नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञानी का चलना फिरना उठना जागना सब इबादत है, बोलता ना वो सोते हुए जैसे जागता है, ये भी सेंटेंस थी पहले चलो मैं, भाई सोते हुए जागता है, तुम देखेगा वो सोया पड़ा है लेकिन सारी सृष्टि का काम अंदर करता है। दादा को कोई बोलता ना दादा आप सोए पड़े थे रात को, बोला नहीं मैं फलाने से बात कर रहा, रात को मेरे को नींद नहीं थी, फलाना जो बीमार पड़ा है ना फलाने शहर में उसके साथ बात कर रहा था, राजा से बात कर रहा था, उसको अंदर मुक्त कर रहा था, उसी से मैं बातें कर रहा था, अरे तुम बीमार नहीं है, तुम मुक्त है, तुम शांत स्वरूप है, तुम ऐसा है, उसी को बहुत ज्ञान दे रहा। और हम देखे तो ये बाहर से आंख बंद करके सोया पड़ेगा, सोते हुए भी वो जागता है, जैसे हमेशा आत्मा में रहता है, उसको आत्मा के साथ दूसरी बात ही नहीं अच्छी लगती, आत्मा ही देखता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा में ही रमण करता है, जो इसी घंटा जो विषयों की इच्छा से शून्य है उसको ही प्रारंभ चलाती है, उसको ही दूसरे की प्रेरणा चलाती है, क्योंकि शरीर तो चलेगा ना, शरीर से जो कार्य कराना है परमात्मा को वो कैसे कराएगा, तुम्हारे में प्रेरणा जागेगी और ज्ञानी भगवान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, बाहर से देखने में आएगा तो भगवान गया इसके पास, गुरु गया इसके पास, लेकिन अंदर में किसने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण गया उसको चोरी करके ले गया, उसको बाहर से तो नाम तो खड़ा हुआ कृष्ण का, पढ़ाई लड़की छोड़ा के गया, लेकिन अंदर उसने ही चिट्ठी लिखा था कृष्ण भगवान को, तो मेरे को दूसरा ऐसे विकारी गोट लेके देता है, अभी तुम ही पति परमात्मा है निर्विकारी, तुम मेरे को कैसे भी बचाओ, मैं शादी करना उसके साथ नहीं कहती, मेरी जीवन बचाओ, ये चिट्ठी आई थी कृष्ण भगवान को। तो बाहर से तो किसने देखा ही नहीं वो चिट्ठी, बाहर से देखा कृष्ण भगवान ऐसा ठग है जो गया उस लड़की बेचारी मंदिर में गई है शादी करने के लिए, उसका वोट भी आ गया, जन्म भी आ गई है, सब आ गया, वो खाली मंदिर में गई है हार पहनने के लिए मंदिर में, उधर से कृष्ण भगवान गया। तो बाहर से तो कृष्ण से बहुत लड़ाई किया उसके भाई ने, इसने उसने जबरदस्त लड़ाई हुई, सारे शहर में उसकी निंदा हुई, लेकिन अंदर निष्काम था कृष्ण, उसको अपने लिए कुछ नहीं मांगता था, तो उसको रिस करके आजकल लड़के बोले कृष्ण ने मेरे को वहीं चौड़ाई, मैं फलानी लड़की से भगा देगा, मेरा भी इसके साथ प्रेम है, कृष्ण का नहीं था। तो भगवान का कर्म कौन सा है, कैसे निष्काम है, और अज्ञानी का कैसे सकामी कर्म है, तुम जो कर्म करेगा उसमें बोलेगा मेरे को फायदा क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं,
मैं जो इधर जाऊँ रात को, ठंडी में जाऊँ गर्मी में जाऊँ, आधी रात को जाऊँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्यों जाऊँ। अरे दादा बोलते खाली मैंने एक आदमी को बुलाया तो मोटर को धक्का दियो, मोटर हमारी खड़ी हो गई है, दो तीन आदमी को रास्ते से बोला भाई धक्का दियो। अरे कितना देगा सेठ? अरे धक्का भी हमारे मोटर को दियो और सेठ को बोलता है कितना देगा, आठ देगा रुपया देगा, नहीं तो हम नहीं धक्का देगा। तो दादाजी ऐसी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बता रहा था कैसे अज्ञानी सेकंड से कल में स्वार्थ उसके आगे है, ये देगा क्या, मेरे को मिलेगा क्या, मैं जो उसकी सेवा करूँ मेरे को क्या मिलेगा, मैं जो उसके लिए जागू मेरे को क्या मिलेगा, मैं जो उसके लिए अस्पताल में जाऊँ मेरे को क्या मिलेगा, फिर वापसी इसको जरूर चाहिए। इतना कंजूस और किरपड़ा है, ऐसा काम ही करनी, कंजूस और किरपड़ा जो सेकंड सेकंड कदम कदम में उसके रंग रंग में स्वार्थ का रोग बड़ा पड़े, नहीं तो एक भी कर्म उसके सिवाय नहीं करता है। जब स्वार्थ पूरा होगा कुछ न कुछ फल सामने रख के वो कदम बढ़ाए, ज्ञानी के आगे कुछ फल ही नहीं है। स्वर्ग का फल भी उसने आत्मा के आनंद के आगे घोड़ के फेंक दिया, भाई स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा नहीं चाहिए, कीर्ति भी नहीं चाहिए, वापसी में प्यार भी तुम्हारा नहीं चाहिए, वापसी में तुम थैंक्स बोलो ऐसा भी हमको नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञानी मेरे साथ है। तभी उसको इतना फायदा देता है सारी दुनिया को जो फायदा मिलता है एक ही ब्रह्म ज्ञानी से, हजारों को फायदा मिलता है, जैसे एक ही सूरज से सारी प्रकृति जो है वो रोशन होती है, ऐसे एक ही ब्रह्म ज्ञानी जो संकल्प करे तो सारी सृष्टि पर उसका संकल्प पहुंच जाए, वाइब्रेशन पहुंच जाए। जब ब्रह्म ज्ञानी जिंदा है दुनिया में तो वाइब्रेशन हजारों करोड़ों शहरों में पहुंच सकता है, और भगवान जो है वो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो कभी मरता भी नहीं है, आज भी है, जाता भी नहीं है, आज भी उनकी बात है, आज भी उनकी सेवा है, आज भी उनका ही वाणी है, उनका ही सब कुछ है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो आज भी वो जिंदा है ना। तो एक ही ब्रह्म ज्ञानी से सारी प्रकृति को वाइब्रेशन मिलेगा। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी जो है वो दूसरे के प्रेरणा से चलता है, जैसे जैसे तुम प्रेरणा करता है तैसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु को वो पहुंचती है, तुम्हारा संकल्प उसको पहुंचता है क्योंकि भगवान है, तुम्हारी प्रेयर उसको पहुंचती है क्योंकि भगवान है। तुमने जो जो प्रेयर किया पहले पता नहीं कौन से भगवान को किया है, शिव को किया कि ब्रह्मा को किया, लेकिन था वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जब आता है तो भगवान साकार स्वरूप में आता है, तुम्हारी सबकी प्रेयर जो है वो सुनता है और उसी प्रेयर के संकल्प के आधार पर वो तुमको उसका फल देता है। इसके लिए ब्रह्म ज्ञानी का शरीर भी तुम देखेगा भाई चलता है फिरता है खाता है पीता है जाता है, लेकिन दूसरे के प्रेरणा, अपनी कोई इच्छा कोई विल कोई ईगो नहीं है कि मैं करता हूँ मैं जाता हूँ मैं आता हूँ मेरे को कुछ चाहिए। बात समझ में आई अच्छी तरह से? झुकता है जब भी तो गुरु जी मेरी मोटर में चलो, भगवान मेरे पास आओ, भगवान मेरे पास आओ, भगवान मेरे पास मेरे बंगले में चलो, तो बाहर से ऐसा देखने में आएगा जैसे ज्ञानी बोबड़ा है मजा, जैसे मजा देख रहा हो भाई बहुत मजे में है, दस दस तो मोटर उसके दरवाजे पर खड़ी है, भाई बंगले में रहता है, भाई तुम्हारे शहर में इतना ऊंचा बंगला था, ज्ञानी रहा पड़ा है बहुत अच्छे से, पलंग पर सोया पड़ा है, सोने पलंग पर भी ज्ञानी सोएगा तो भी वो सोना समझेगा क्या, क्या समझेगा, वो दूसरे के जो भगत है उसकी इच्छा पूरी करता है, उसका संकल्प पूरा करता है, भगवान है ही भक्तों का, हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा हमारे, तो भगत के लिए उसको सब करना पड़ेगा। अचानक बोलता है ज्ञानी चलो चलो तुमको जू घुमा के आए, तो ऐसा देखने में आता है ज्ञानी को इच्छा है, लेकिन वो जो नए नए आते हैं दूसरे दूसरे शहर से भाई उसको घुमा के आओ उसको करा के आओ उसको हवाई लेके जाओ उसको इधर लेके जाओ, तो ज्ञानी की इच्छा क्या, ज्ञानी भी उसके साथ समझो जाता है उसको घुमाने के लिए, नहीं अपने को घूमने की इच्छा, लेकिन देखने में क्या आएगा ज्ञानी जी को घूमता है, अरे मैंने तुम्हारे गुरु को ना पवाई लेक पर देखा, पवाई लेक पर क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं जाएगा उसको इधर होता है घूमने का, तुमको ऐसा क्या, पवाई लेक बनाई उसने, सृष्टि का राजा है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, गॉड कैन डू नो रॉन्ग, भगवान कुछ भी रॉन्ग नहीं करता है, चाहे किधर भी बैठा है ब्रह्म ज्ञानी तो भी दूसरे के उद्धार में लगा हुआ है, चाहे गुत्ते पर तुम देखो बोलो ये तो शराब पीता है लेकिन दूसरे को शराब चुराने के लिए जाए, कोई भगत है उसका शराब की आदत है बोले चलो तो दिखाओ तो शराबी कैसे उधर चला पड़ा है, चलो तुम दिखा के, तो बाहर से तो देखेगा वो टेबल पर बैठा था फलानी भाई हाली डे इन में बैठा था, हाँ वो आत्मा में तुमने देखा हाली डे इन में बैठा, लेकिन कई भगत ऐसे आते हैं जिनको कोई सूक्ष्म इच्छा है कोई कुछ है, तो ज्ञानी उसको लेके और उधर का सब बैठा देखे और फिर घर में लेके आता, देखा होटल में क्या था, देखा खाने में क्या था, देखा पहनने में क्या है, देखा सिनेमा में क्या है, देखा टीवी में क्या है, उसके लिए क्या नहीं करना पड़ता है ज्ञानी को भगत के लिए, जैसे डॉक्टर को क्या नहीं करना पड़ता है किसके ऑपरेशन के लिए,
डॉक्टर को खुद खून में और रक्त रोग में हाथ डालना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानी को भी विषय में आना पड़ता है, उनके लिए जाना पड़ता है कब कभी न कभी, किधर न किधर तुम देखेगा ज्ञानी को तो तुम भूल जाएगा। लेकिन किस राज से, किस ख्याल से हो गया, कौन सा उसमें राज था, किसको छुराने गया, किसका विषय कार्ड छुराने गया, वो तुमको पता नहीं लगेगा। ज्ञानी की गत ज्ञानी जाने। तुम जब ऐसा होएगा ब्रह्म ज्ञानी तभी तुम देखेगा तो बराबर मेरे को इच्छा भी नहीं थी, मैं कैसे पहुंच गया, अरे मेरे को तो कोई वासना भी नहीं थी, मैं कैसे इधर पहुंच गया, किस किस जगह मेरे को भगवान लेके चलता है और किसके लिए लेके चलता है। जब तुम पहचानेगा, अंदर जाएगा, दीख जाएगा, तभी देखेगा तो ज्ञानी कैसे दूसरे के प्रेरणा से चलता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर में कोई कर्ता भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं, इतना पहले प्योर और साफ है। अगर अज्ञानी रीस करके उसके बोले मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी उसके उसकी इच्छा से गया था, मेरे को इच्छा नहीं, मेरी वाइफ ने बोला तो तेरे मामे चलो तभी मैं गया। अरे तेरी वाइफ, तेरा बेटा, तेरा तो है ना, ज्ञानी के लिए मेरा मेरा है ही नहीं, नहीं मैं हूँ नहीं मेरा, बिल्कुल जो उसका सच्चा भगत है, जो मुक्ति के लायक है, पर कोई कोई इच्छा उसमें रह गई है तो ज्ञानी उसको लेके वो इच्छा पूरी करके और दिखाएगा। अगर वो वैराग नहीं ले सकता है, ज्ञान से भी वैराग नहीं लेता है, तो कभी कभी उसको उसी जगह लेके जाना पड़ता है, भाई देखो शादी देखो, तुम बोलता है शादी में मजा है, चलो चलो शादी दिखाओ, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या, ऐसे भी हो सकता है। तो अंदर में उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन वैराग जबरदस्ती भी किसको नहीं रोकेगा, भाई तुम ये नहीं पहनो, ये नहीं खाओ, ये अरे खा के फिर देखो, देखो भाई खाने में भी क्या, अरे टेस्ट में भी क्या, टेस्टी खाना तो खाता है, पेट में जाता है, पेट में दर्द पड़ता है, खाते देखो एक बार पेट में दर्द पड़ेगा तो दूसरे दिन नहीं खाएगा, जो ऐसा नहीं सुधरता है व्यवहार से तो इच्छा पूरी करके फिर अपने को व्यवहार दिला। तो ज्ञानी को कुछ कुछ करना पड़ता है सबके लिए, सबकी प्रेरणा उसी से कुछ न कुछ कराती है। रागद्रूपी गंगा ज्ञानी जो पढ़ती है, ज्ञानी का तरी कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, नहीं वो मुर्दा है, मुर्दा आगे सो जाएगा, फिर तुमको जरूरत पड़ेगी तो ज्ञानी को बोलेगा तुम उठो, तुम ऐसा करो, तुम हमारे घर में चलो, तुम सत्संग करो, तुम हमको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुनाने की इच्छा नहीं है, नहीं सुनना, नहीं सुनाना, खत्म हो गया, सब खत्म है उसके अंदर, कोई इच्छा नहीं है, मैं किसका गुणपन हूँ, मैं किसका शिष्यपन हूँ, ये मेरे सेवक है, मैं इसको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान क्या सुनाएगा, वो सब ज्ञान सब पहले से ही है, पहले से ही भगवान है हर एक। तो भी बेचारा जो जीव भाव में आ गया है, जो अज्ञान में फंस गया है, दुखी है, वहां के ज्ञानी को उठाएगा तो तुम तो सुखी है, हमको भी सुखी करो। तो ज्ञानी का बाकी आने का क्या मतलब हुआ, अगर किसका दुख नहीं हट सके, किसकी दिल नहीं ले सके, किसको दर्द ताकत शक्ति नहीं दे रहे, तो ज्ञानी के शरीर जाने की जरूरत क्या, भगवान बाकी सृष्टि पर आए क्यों, अगर किसी तपत नहीं बुझाए तो उसके लिए उसको सब कुछ करना पड़ेगा मदद के लिए, और दूसरे के प्रेरणा से वही जीता है, कहां से कहां तक पहुंच जाता है। एक दिन एक आदमी मर रहा था, कैंसर की बीमारी थी, चर्च गेट पर रहता था, तो हम सब बोलवीली में गए थे इसी सत्संगी के पास, उधर बैठे थे, चाय कब तैयार था, चाय तैयार थी अंदर, चार बजा था, दादा ने बोला चलो, हम सब हैरान हो गए, चाय तैयार है, वो घर वाले बोलते रहे चाय तो पी के जाओ दादा, बोला नहीं देरी होती, देरी होती, ऐसा दौड़ के नीचे उतरा और सब ट्रेन में चढ़ चर्च गेट पहुंच गए। उधर क्या देखते हैं तो डॉक्टर बड़ा बाहर निकल रहा है, उसको जवाब दे ये मर रहा है अंदर, और वो पूछ रहा है अपनी वहां से दादाजी नहीं आएगा, दादा नहीं पहुंचा, वो नहीं आ सकता है, आज आ सकता है, अभी आएगा तो उसकी औरत बोलिए तुम याद करता है ना जरूर आए, और टक टक करके दादाजी अंदर बैठ गए, अंदर गए तो पिछारी का प्राण था उसका, और एकदम ओम ओम की गुनी लगी, बल्कि दादा ने ओम बोला और उसको बोला अरे तुम मरना मरता ही नहीं है, तुम हमारे में मिले, हम तो वैसे आजू बाजू उसके खड़े हो गए, ओम की धुनी लग गई थी और 5-10 मिनट में उसने स्वास्थ्य ऐसा खुश हुआ, दादा जी आ गए, बस खाली सुना दादा आ गए, बस मैं मुक्त, उसने आके ओम ओम बोला, और नहीं तो उसकी औरत माँ ये बच्चे रोते थे उसके आगे, दादा ने सबको बाहर निकाल के सामने ऐसा खड़ा हो गया, आंख में आंख मिला के उसको ओम ओम बोलते हुए स्वास्थ्य किसी ने भी नहीं रोया, किसी ने भी नहीं चीखा, नहीं कहा, उसने देखा बस दादाजी के लिए चेहरा हुआ था तो वो नहीं आएगा, तो कैसे पहुंच गया बाहर से तो देखने में आया तो चैन भी नहीं पीता है, इतना अधीरज है, अभी दिल को क्या पर जाता है, कौन उधर बैठा है, कैसे भगत उसको खींचता है, कैसे उसको पुकारता है, कैसे किसकी वो मुक्ति करता है, और तुमको क्या पता, बाहर से देखने में वो इधर गया उधर गया, चर्च घूमता है, ट्रेन में घूमता है, बस में घूमता है, बैठ में चलता है,
लेकिन वो किधर जाता है, किसके उधार पर, किसके उधार के लिए जाता है? अपने सुख के लिए नहीं जाता है, तुम टकरा टकरा अपने सुख के लिए जाता है, अपने वाले के लिए जाता है मोटर में चढ़ के, और वो टकरा टकरा किसके लिए जाता है? ट्रेन में चढ़ के। ये फर्क है सर, अज्ञानी मैं और मेरे के लिए जीता है, ज्ञानी सारों के लिए जीता है। हजारों का उधार करता है रोज, जो किसी जनता उसको दूसरे का ख्याल है तो ये कैसे मुक्त हो जाए, ये कैसे छुट्टी हो जाए, इसको कैसे शांति मिले, इसको कैसे शक्ति मिले, ये गिरे पड़े है बेचारे अपने अपने जीव भाव में, अपने अपने दुख में दर्द में जल पड़े है। सारी दुनिया से जल के आदमी इधर आता है सत्संग, क्योंकि मृद कृष्णा का जो जल है ना, वो है वाणी, तपत है बहुत सूरज की, देखने में आता है जल। ये अज्ञानी लोग जाता है उसमें भाई पानी मिलेगा, लेकिन तप के मर के जल के वापस आता है लोटा लेके भगवान के पास, भाई मैंने ऐसा भी किया, ऐसा जी किया, बच्चा किया, धन किया, लेकिन हमको शांति आई, और भी शांति, और भी तपन, और भी दुखी, जितना गया माया में, जितना गया विचार में, और भी अस्त्र पत्रों के वापस आया, मई तो उदास अशांतों के वापस आया। तो ये तपत नहीं बुझाए ज्ञानी उसकी, तो बाकी क्या करे? इसके लिए गुरु को सब कुछ करना पड़ता है भक्तों के लिए। मैं तिरानवे चलता है दादा, तो भी हमारे लिए चलता था सबके लिए, लेकिन ऐसा देखते थे दुनिया वाले, दादा को बहुत बैठे पसंद है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, उधर काहे के लिए जाता है, अपनी इच्छा से जाता है, ऐसा देखने जाता है। लेकिन सबके उद्धार के लिए वो सोचता था, ये इधर जो बैठे है सब लोग माया में मस्त है, ये एक घंटा सत्संग को लेना के एक घंटा जाएगा माया में, तो कब फायदा मिलेगा, ये तो मर जाएगा। सबको उधर लेके चलता था, एक हफ्ता कोई रहता था, चार दिन रहता था, दो दिन रहता था, बोलता था दादा इधर तो मेरा जगत ही सारा भूल गया, विस्मृति हो गई है, केवल ब्रह्म ब्रह्म देखने जाता है, क्योंकि चौबीस ही घंटा एक ज्यादा ब्रह्म ब्रह्म बोलता रहा, कोई दूसरी बात ही नहीं, सारा जगत भूल जाए। लेकिन दुनिया की बहुत ये गिल्ला जिंदा सही कि दादा ये क्या करता है, इतनियों को लेके जाता है, उसको लेके जाता है, इसलिए शायद घर चुराता है, शायद मर्द चुराता है, शायद बेटा चुराता है, इनसे ये काय के लिए उधर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अज्ञानी लोग जो पापी लोग है, वो ज्ञानी में भी पापी देखेगा, लेकिन ज्ञानी तो पापी को भी आत्मा देखेगा। तो ऐसी प्रकार से कई बिना कहीं इंदा सह के भी दूसरों के उद्धार के लिए ज्ञानी का प्रगत होना होता है, ये अवतार इसके लिए आता है, हमारे लिए आता है, हमारे उद्धार के लिए आता है, दूसरा कोई काम नहीं है। पहले पहले क्या बोला भाई, इच्छा दल गई है, जिस ज्ञानी की इच्छा दल गई है, और विषय विकार जो है उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं आता, विषय विकार में शून्य है, पहले पहले ये बोला। तो जिसको कोई भी एक भी इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं दल गई, इसलिए ये धन क्या है, धन का मान किसके अंदर में, जिसको इच्छा भाई धन होना चाहिए, भाई क्या नहीं चाहिए दुनिया में, खाना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, कला नहीं चाहिए, चाहिए माना धन चाहिए, जिसको एक भी इच्छा है उसको धन जमी चाहिए, बोला जिसकी इच्छा धन गई तो धन कहता, धन उसके नजर में भी नहीं है, कोई धन कोई है आस्था माना धन कोई चीज है वो उसके नजर नहीं है, धन की आसक्ति उसकी निकल जाएगी जिसको कोई भी इच्छा नहीं है दुनिया में। नाना बोलता मैं पर्स नहीं उठाता हूँ तुमको, तुम मेरे को जबरदस्ती ट्रेन में लेके चलता है, बस में लेके चलता है, टैक्सी में लेके चलता है, भाड़ा तुमको खर्चना पड़ेगा, हमारे पास पर्स नहीं है, हमको पर्स चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं, हम काहे के लिए पैसा रखें, क्योंकि मेरे को इच्छा नहीं है, बस में चलने की इच्छा भी नहीं है, ट्रेन में चलने की इच्छा नहीं है, मैं ऐसा सुखी बैठा हूँ अपने शांति में, जहां भी मैं हूँ उधर सुखी बैठा हूँ, मेरे को चाहिए नहीं, पैसा काहे का रखूं, तुम्हारे जैसा मूर्ख आएगा दादा इधर चलो उधर चलो तो तुमको पैसा खर्चना पड़ेगा, मूर्ख को पर्स लेकर चलना पड़ेगा हमारे पीछे, मेरे हम पर्स नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे को धन ही नहीं चाहिए, चाहना ही नहीं है तो धन कहेगा। दादा बोलता था दादा अच्छा ना तो चाहिए, बस में कैसे चलेंगे, ट्राम में कैसे चलेंगे, सत्संग में कैसे आएंगे, बोला तुमको इच्छा है ना सत्संग में आने की, मेरे को इच्छा नहीं है सत्संग में जाने की आने की, मैं जाऊँ ताकि सत्संग में हूँ अपनी सत्तात्मा में, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, पैसा कहता रहते, तुम भी ऐसा हो जाओ, तिरपत हो जाओ अपनी आत्मा में, शरीर और ठिकाने पाइए, जान दिया था तुम ब्रह्म है, तुम भगवान है, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तुम धक्का खाते हैं तो पैसा भी चाहिए, इधर जाना है इधर आना है आसाना चाहिए। तो बोलता है जिसकी इच्छा जल गई, कोई भी निश्चय विकार उसके अंदर में नहीं है, एक भी निश्चय की इच्छा नहीं है, कहां भी आना जाना नहीं है,
नहीं फिर कहो कि अखेर मरता है जो कल्याण में जाएगा वो 500 रुपया खर्चेगा। तुम्हारा अखेर मरेगा तो जाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए, नौकरी के लिए पैसा चाहिए, भाई के पास जाना है, बहन के पास जाना है, मैके में जाना है, ससुराल में जाना है, धक्का खाना है, शादी में जाना है, तो पैसा चाहिए। और ज्ञानी को किधर भी जाना नहीं है, पैसा काहे के लिए चाहिए, वो जा है तो आनंद में बसा है, बस वो पैदल करके आता के आ जाता है, उसको जरूरत नहीं है एक पैसे की भी। तुमको जरूरत क्यों है, तुमको कुछ चाहिए, तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे को चाहिए, तुम्हारे बाप को चाहिए, तुम्हारी औरत को चाहिए, मना तो उसको लेके देगा, उसके लिए ब्लैक मार्केट करके आया, जो चूरी का हीरे की तुम्हारी औरत है। रामतीर्थ ने बोला जब तुम मंदिर में जाता है, बोलता है मेरी डोरी तेरे हाथ, भगवान सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी तेरा हूँ, मेरा भी तेरा है। फिर घर में आएगा, औरत बोलेगी मेरे को शादी में जाने का है भाई के, तुम बेवकूफ है, चूरी मेरे को दी हो हीरे की, कैसे भी चोरी करके भी लेके आओ, मैं जाता हूँ, मेरी बहन आएगी चूरी पहन के, मेरे को नहीं देगा। तो उधर ही रामतीर्थ बोला वो मर्द जो अपने को मर्द समझेगा, किसी औरत का मर्द होते वैसे। मेरा ये सच्ची बात है, ये बेचारी जाएगी लेके ले, मेरी इज्जत जाएगी, जब मैं तो चूरी तो पहनाऊंगा, फिर तुम जाके कमाना, धन कमाना और ब्लैक मार्केट करके चोरी करके आगे औरत को पहनाना चूंगा, जो तो तुमको इच्छा है तो तुम उसके बैठेगी, इसलिए तुम उसके लिए क्या नहीं करेगा, सब पाप करेगा, बच्चे के लिए सब पाप करेगा, औरत के लिए सब पाप करता है, और नर्क में जाने वाली कोई औरत कोई बच्चे वही पीढ़ी में तुमको पूछेगा भी नहीं, और मौत में लेके जाने वाला वही है, जन्म मरण के चक्कर में लेके जाना वही है, जिसके लिए तुम हीरा चूरा ब्लैक किया, छगी किया, बदमाशी किया, जो भी तुमने अत्याचार किया दुनिया में, किसके लिए, अपने सुख के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, मैं और मेरे के लिए। तो मतलब जिसको कोई इच्छा ही नहीं है उसके लिए धन क्या होता है, धन कौन सी चीज होती है, उसके लिए धन की आसक्ति चली गई, मित्र कहां से आया, कौन सा मित्र रखेगा तुम, अभी ज्ञानी के लिए मित्र ही आत्मा है, मित्र ही परमात्मा है, मित्र ही गुरु है, कर दूसरा कोई मित्र नहीं है दुनिया में, काटा तो मित्र और सहेली और दोस्त रखे बैठा है, कोई सच्चा दोस्त है दुनिया में, अरे सुख में सब दोस्त मिलेगा, जो सब पैसा वैसा होगा ना तुमको, सब शाहूकार को शाहूकार दोस्त मिलता है, बहुत सुख में आन बहुत मिल बैठा था, रहते 14 गेड़े विपत पड़ी सभी संग साथ, ये तो मेरे को गुरु ने बता दिया कि तुम आत्मा, अभी क्या शास्त्र पढ़ो, क्या मन तुम्हारी बैठ के करूँ, मगज है तुमको जो शास्त्र पड़ेगा, मगज में जा रही, हमारा गुरु खा गया सारा, मैं जाला निकाल के उधर आत्मा को डाल दिया, अभी कौन सा शास्त्र पढ़े, कौन सी वाद विवाद करे, क्या शास्त्र में पढ़ने का है, शास्त्रों में महावाक्य एक ही है कि तू ब्रह्म है, वो तो गुरु ने पहले ही दिन बोल दिया, अभी शास्त्र क्या पढ़ेगा, ये भी तुम्हारे लिए शास्त्र उठाते है, क्योंकि तुमको शास्त्र में विश्वास है, हमको तो अपने गुरु में ही विश्वास है, उसके महावाक्य में विश्वास है, बाकी तो किसमें भी विश्वास नहीं है, शास्त्रों का जो तत्व है जो सार है वो गुरु के मुख से हमने सुन लिया, अभी देख वेकार में हम जाते ही नहीं है, लंबी चौड़ाई में जाते ही नहीं, ना निकले के एक गल और है जखना जाग, ये जखना और जाग में जाके पढ़ेगा बहुत शास्त्र पढ़ने से बुद्धि उलझ में आ जाए, अगर अर्जुन ने भी इतना शास्त्र पढ़ा था, कृष्ण नहीं मिलता था तो उसको ज्ञान होता था, इतना शास्त्र पढ़ा हुआ पंडित था अर्जुन, तो उसको बोलता है भगवान बहुत शास्त्र पढ़ने की वजह से तुम्हारी बुद्धि उलझन में आई हुई, तब तक इसका नहीं होगी समाधि में, जब ये शास्त्र छोड़ेगा तुम एक ही मेरी बात सुनेगा, भगवान बोलता है मेरे मुख से तुम सुनो ज्ञान, मन मना बहो, मन मेरे को दियो, बुद्धि मेरे में अर्पण करो, तो बुद्धि से शास्त्र पढ़ेगा ना, अपनी समझ से शास्त्र पढ़ेगा ना, मन बुद्धि गुरु लेके गया तो शास्त्र कैसे पढ़ेगा, तब तो अंधा हो गया ना प्रेम में भगवान के, सर्वत्र जो भगवान देखता है अंधा हो गया, तो उसके लिए शास्त्र क्या है, और जो पहले गुरु के पहले शास्त्र पढ़ा वो भी अंधे की तरह पढ़ा, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य शास्त्र क्या पढ़ेगा, जो अपनी बुद्धि पर जीव भाव में खड़ा है वो शास्त्र क्या समझेगा, जो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति लिखी पड़ी है अभी जीव भाव वाला ये पढ़ता है क्या पढ़ेगा, उसका विवेक ही नहीं खुला है, वो आत्मा को जानता ही नहीं है, दे अध्यासी शास्त्र क्या पढ़ेगा, और भी अभिमान में आ जाएगा, कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से ग्रहण करके बोलेगा मैं शास्त्रवादी, मैंने शास्त्र पढ़ा, तो गुरु से पहले भी शास्त्र नहीं पढ़ने का है, गुरु के पीछे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु मिल गया तो बस बात खत्म हो गई, भगवान मिल गया पीछे हम शास्त्र पढ़ेगा, तुम्हारे को सामने गोट मिल गया तो फिर उसकी चिट्ठी पढ़ेगा, जब तक गोट नहीं मिला तो चिट्ठी पढ़ा, तो चिट्ठी से भी तुमको फायदा नहीं मिला, क्योंकि तुमने बोला गोट चाहिए, चिट्ठी से कोई असर नहीं हुआ, दिल बड़ी चिट्ठी से, फोटे से चिट्ठी से दिल बड़ी, तो कृष्ण का फोटा भी रखा, कृष्ण की गीता भी समझो पढ़ी,
तो भी कृष्ण नहीं मिला तो फायदा क्या हुआ? तो हमको चाहिए कृष्ण की, हमको चाहिए उसकी गीता और शास्त्र। ये सब एक ही जब भगवान आएगा सामने तभी हमारा उद्धार होएगा, तभी हमारा अज्ञान जाएगा। कि शास्त्रों से और वेदों से और फोटो से हमारा अज्ञान गया। शास्त्र जड़ और आत्मा तुम्हारी चेतन। जड़ कैसे चेतन को जानेगा, जड़ कैसे चेतन को जागृत करेगा? चेतन गुरु चाहिए जो हमारी आत्मा को जागृत करे। बोलता चालता ऐसा गुरु चाहिए जो हमको सामने बिठाए, उठाए, खिलाए, सामने हमारी दिल लेवे, हमारा मन लेवे, हमारा ख्याल सब खसे। ऐसा गुरु चाहिए। ये शास्त्र चाहिए हमको। पोथ्यू माना पोएथ्यू, पहले कृष्ण आया, पीछे पोएथी, माना गीता पीछे थी, पहले कृष्ण आया। तो गीता को पकड़ के बैठ जाएगा, कृष्ण को भूल जाएगा, जो अंदर वाला है उसको भूल जाता है और शास्त्र में फंस जाते हैं। तो बोलता है तो मेरी इच्छा ही गल गई, मैं आत्मा हूँ, कोई मेरे को इच्छा वासना नहीं है। तो भी शास्त्र क्या करे और ज्ञान क्या कथन करे? ज्ञान कौन सा है मेरे को? शास्त्र पढ़े और ज्ञान को कथन करे, ज्ञान भी कौन सा? मैं आत्मा हूँ बात पूरी हो गई, अभी ज्ञान कौन सा? ये अज्ञानी के लिए ज्ञान है। जिसके अंदर अज्ञान है तो गुरु हमको ज्ञान सुनाता है, क्योंकि अज्ञान अंदर भरा पड़ा है, अज्ञान जाता है ज्ञान से। जब ज्ञान हो गया, मेरी इच्छा गल गई, पीछे ज्ञान भी कहा था। ज्ञान कहाँ है, अज्ञान कहाँ है, धन कहाँ है, शास्त्र कहाँ है, मित्र कहाँ है? ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं है। नास्ता आस्था, आस्था कुछ नहीं है। ऐसे बोला आस्था बुद्धि नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है दुनिया में। आस्था बुद्धि मना है तो बोलते हैं आस्था बुद्धि नहीं है, मना कुछ भी नहीं है। ऐसा करके जान कि ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं मेरे लिए। इतने बाजू करके रखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसको मुक्ति की कौन सी इच्छा रहेगी? बात भाग त्याग लक्षण कर दिया, शरीर और आत्मा का विभाग कर दिया, अलग कर दिया, फिर शरीर को छोड़ के एक ही आत्मा में लक्षण कर दिया जिसने, उसको भी कौन सी इच्छा रहेगी मुक्ति की? तत्व मसी जिसने महावाक्य गुरु के मुख से सुना कि वो तुम है, वो ब्रह्म तू है, जिसने ये लक्षण करके और अपने आत्मा में अपने ब्रह्म में जो पक्का हो गया, उसके लिए मुक्ति की इच्छा कहती, बंधन कहेगा मुक्ति कहेगी, उसको मुक्ति की जरूरत है, मुक्ति की इच्छा की जरूरत है। जो बंधन में अपने को जीव समझ के बैठा, मैं जीव हूँ, मैं बंधन में हूँ, मेरे को इच्छा है, मेरे को वासना है, मेरे को मोह है, मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे को तो इच्छा होती है, उसके लिए मुक्ति की जरूरत है। तो गुरु उसको चाहिए तो भाई तुम मुक्त है पहले से ही, और जिसका सब इच्छा बैठ के नाश करे गुरु, करे मन अच्छा और सामी छजाऊ छिन्नम। जब ये सच्चा गुरु मिलता है तो पहले तो हमारी इच्छा को ही खलास कर देता है। भाई तुमको किस बात की इच्छा होती है दुनिया में? क्या तुमको चाहिए अपने अंदर से पूछो। अभी तुम इधर बैठे हैं, तुम हमको बता सकते हो तुमको क्या चाहिए, कौन सी इच्छा है? अपनी इच्छा को जांचता है कभी? भाई बाकी कौन सी इच्छा है जो तुमको आनंद शांति नहीं है और मुक्ति की इच्छा होती है? क्यों, कौन सा बंधन है जो मुक्ति की इच्छा होती है? किस बात की दुनिया में इच्छा है जो तुम मुक्ति के लिए सत्संग जाते हो? काहे के लिए तुमको मुक्ति चाहिए? बाकी कौन सी इच्छा है दुनिया की जो तुम, कौन से बंधन में रहता है जो तुमको मुक्ति की इच्छा चाहिए? क्यों मुक्ति की इच्छा है? जरूर कोई बंधन होगा तभी तुमको इच्छा वासना होती है मुक्ति की। और जिसको बंधन ही नहीं है, जी भाई जिसका खलास हो गया, मेरे की भावना ही खत्म हो गई, कोई विषय विकार की इच्छा नहीं है जिसके अंदर में, वो मुक्ति की इच्छा कहे। जो लक्षणा में खड़ा है, आत्मा में खड़ा है, जिसने शरीर का भाव छोड़ दिया, शरीर और आत्मा को अलग करके आत्मा में टिका पड़ा है, भाग त्याग लक्षणा कर दिया, अभी उसको मुक्ति की इच्छा क्यों होनी चाहिए? तुमको मुक्ति की इच्छा अगर है तो तुम जरूर बंधन में होएगा, तभी तो इच्छा है। अभी कौन सा बंधन है बाकी? कौन से बंधन में तुम अपने को जानता है? जरूर कोई इच्छा होगी तभी बंधन है। तुम बात कर सकते हो, तुम जांच सकते हो कि कौन सी इच्छा तुमको बाकी है जो तुम बंधन में आए? किसने तुमको बंधन में डाला? बात कर सकते हो कि कौन सभी आया ना? कौन सा बंधन है जो तुम मुक्ति की इच्छा करता है? किसने तुमको बंधन में डाला है? किसने तुमको बोला है कि तुम इच्छा रखो और बंधन में आओ? और कौन बंधन में आया? कौन बंधन में आया है? कौन मुक्ति की इच्छा करता है? कौन सा बाकी बंधन है बताओ? हेतांचो भगवान हो के तुम फंस गए पता है?
भगवान होके भूल गया तुम। दादा ने कोई पूछा था, दादा भूला कौन है? बोला है कौन, है कौन दुनिया में, है कौन भगवान के साथ कुछ है? भगवान को भूल गया, तुम ही भगवान है, तुमने ही माया पैदा किया, संकल्प से ये सृष्टि बनाई, पर तुम ही फंसे हो तुम्हें, यही तो रंग है, यही तो खेल है, भगवान खुद आगे फंस गया माया में, अपनी माया में, संकल्प में, तुम्हारे संकल्प किया ना, तुम्हारे संकल्प में ये सृष्टि है ना, अभी भी संकल्प लय करो तो सृष्टि आएगी, तुमने ही संकल्प किया और सृष्टि बनाई अंदर, और उसमें तुम फंस गया, ये जो मोह मोह बोलता है ना, ये तुमने अपने संकल्प से ये बनाया, ये मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा, मैंने शादी किया है, ये मेरा बच्चा है, मेरा फर्ज, मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी, मेरी लोकाड़ी, तो मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा नहीं करने का है, ये सब तुमने बनाया कि भगवान ने बोला, भगवान ने क्या बोला था तुमको, क्या जाके करना, भगवान ने बोला था शादी करना, बच्चा करना, उसका फर्ज धर्म पालना, धन कमाना, भगवान ने कौन से शास्त्र में बोला, एक दो शास्त्र में क्या भगवान ने बोला था तुमको, तुमने भगवान ने तुमको बोला सैर करके आना, सृष्टि देख के आना, लेकिन करना कुछ नहीं, पहले पहले बीबी और दादे आदम को पैदा किया, दोनों को बोला करना कुछ नहीं, जो तुमको मिले वो खाना पीना, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, अपनी इच्छा से कुछ नहीं खाना पीना, दादा आदम और बीबी हवा दुनिया में आए, घूमते फिरते थे बहुत मजे में, कोई भी उसको वासना अच्छा नहीं थी, जो मिलता था वो खाता पीता था, अचानक एक दिन बीबी हवा का एक सेब के ऊपर, जो फॉरबिडन एप्पल था उसके ऊपर उसकी नजर गई, बीबी हवा ने दादे आदम को बोला ये सेब मेरे को चाहिए, दादे आदम ने बोला नहीं ये तो फॉरबिडन है और ये तो बना किया हुआ सेब है, बोला नहीं लेकिन मेरे को जरूर चाहिए, मेरे को इच्छा है, बोला नहीं मैं तो नहीं दूंगा, नहीं मेरे को इच्छा है, मेरे को जरूर लेके दिए, दादा आदम गया वो सेब लेके, बीबी हवा को भी खिलाया, अपने को भी खिलाया, उसी दिन से दोनों में इच्छा वासना उत्पन्न हो गई, वो कपड़ा पहनने लगा, मैं स्त्री हूँ तुम पुरुष है, तुम मैं पुरुष हूँ तुम स्त्री, तो तुम सब उसी के औलाद है, वो ब्रह्मा के औलाद है, तुम दादा आदम बीबी हवा के तुम औलाद है, तो जैसा बाप तैसा बच्चा, जब ब्रह्मा को इच्छा हो गई अहंकार आ गया तो तुमको भी सबको इच्छा और अहंकार आ गया, दादा आदम बीबी हवा का तुम औलाद है, तो जैसे उसको इच्छा वासना आ गई तैसे तुमको भी आ गई, ब्रह्मा भी भूल गया, विष्णु भी भूल गया, शिव भी भूल गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रय गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई, हो मैं के कार में वो भी हो मैं कार कमाता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैंने सृष्टि उत्पन्न किया, मैंने पालना किया, मैंने सृष्टि की पालना किया, ये अभिमान आ गया उसको, इसी प्रकार तुम भी ब्रह्म को भुला के अपने अपना भगवान पड़ा भुला के और अपने को जी जान के इच्छा वासना में आ गए, अभी उस ब्रह्मा को भी गुरु के पास आना पड़ेगा, भगवान के पास आना पड़ेगा और ब्रह्म ज्ञान लेके अपने को ब्रह्म समझना पड़ेगा, तभी वो ब्रह्मा का है जो अभिमान और इच्छा वो छूट जाए, नहीं तो ब्रह्मा भी आता जाता है, मरता है, जमता है तुम्हारे जैसा, तुम भी वही ब्रह्मा है, तुम भी ब्रह्मा की तरह बोलता है मैंने सात बच्चा पैदा किया, मैं उसको पालूंगा, मैं उसको ऐसा करूंगा, निभाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव का अहंकार तो तुम्हारे में है, इसलिए अहंकार और इच्छा के वजह से ही तुम दुखी सुखी हुए, तुमने ही अपने वक्त कड़ी बांधा है, तुम्हें संकल्प में बंद गया है गधे की तरह, सब जीव जो है वो गधा है, पहले नंबर का वो जो ठाकुर सर पर चलता है और इशारे से ही बंद गया, अपने संकल्प से ही बंद गया, अपनी इच्छा से ही बंद गया, किसने तुमको बांधा नहीं है, तुम बोलते नहीं मेरी स्त्री छुट्टी नहीं देती है, मेरा मर्द छुट्टी नहीं देता है, मेरा बेटा ने स्कूल में जाता है मैं बंद गया हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को आने कोई नहीं देता है, मुक्ति में रुकावटें बहुत है, एक दो रुकावट बताओ, कौन तुमको रुकावट डालता है, तुम्हारा ख्याल कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा ममता, तुम्हारा अहंकार तुमको बांध के बैठा है कि तुमको दूसरा कोई बांधता है, रामचंद्र को बोलता है वशिष्ठ नहीं किसको तुमने खरीद किया है, नहीं किसने तुमको खरीद किया, तो भी तुम्हारी हालत गुलामों से भी बदतर है, योग वशिष्ठ में लिखा है, मैं क्यों किसने तुमको खरीद किया, जो बोलता है मेरी स्त्री, मैं लाया हूँ ना तीन फेरा देके मैं स्त्री को लाया हूँ, अभी मेरे को साड़ी हूँ उसको पालना पड़ेगा, और तुम कब तक है जो उसको पालेगा, आज है कल होएगा ही नहीं, तुम क्या पालेगा उसको, तुमने कैसा अहंकार किया, तो मैंने स्त्री को लाया, मैंने शादी किया, मैंने बच्चा किया, तुमने बच्चा पैदा किया कि ये खुद भगवान है, भगवान एक से अनेक होके आया, निराकार साकार होके आया कि तुमने बच्चा पैदा किया, तुम खुद ही बच्चा है परमात्मा का, तो तुमको बच्चा कहां से आया, तुम जो अपने को बाप दादा और बड़ा गधा समझ के बैठा है,
तो काय के लिए तुम बड़ा गधा हुआ है? तुम बच्चा है परमात्मा का सन्नाफगार, तुम खुद ही भगवान का बेटा है, बच्चा है, तो तुमको बच्चा किधर से है? उसको भी पालने वाला भगवान है, तुमको भी पालने वाला भगवान है, तुम ही सन्नाफगार है, जब भी वो भी सन्नाफगार है, सब भगवान के बच्चे है, सब भगवान का स्वरूप है, तो तुम किसको क्या पालेगा? कौन सा बोझ उठाया गधे की तरह चलता है? मेरे को कमाना है, मेरे को खिलाना है, मेरे को पकाना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे से कुछ नहीं होगा। ये अहंकार, ये ब्रह्म विष्णु शिव का अहंकार तुमने अपने ऊपर रखा है, इसके लिए ब्रह्म भूल गया है तुम्हारे से। तुम खुद ब्रह्म स्वरूप हो के भगवान हो के अपनी माया में आके फंसा है। जैसे मकड़ी जाल बिछाती है ना, और फिर खुद फंस जाती है, फिर उसको अपनी जाल को खाना पड़ेगा। जब अपनी जाल खाएगा तभी मकड़ी जो है वो फ्री होगी। बंदर को चना चाहिए तो मटके में हाथ डालता है, अभी बोलता है चने भाई ये मटके में हाथ डालता है तो ऐसा हाथ छोड़ नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता, तो रोता है। अरे बोलता है बंदर को, बोलता है तुम चना खाली छोड़ो, चने की इच्छा छोड़ो, तो हाथ छूटा ही पड़ा। वो बोलता है चना भी चाहिए और हाथ भी छूटे, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको भोग भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, दुनिया का मजा भी चाहिए, भगवान का सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, दुनिया भी नहीं छोड़ो और भगवान भी चाहिए। रूंग में तुमको भगवान चाहिए ऊपर से। मैं दुनिया में अच्छी तरह से रहूं, मेरी स्त्री बेटा धन पदार्थ सब कुछ रहे मेरे साथ, मैं विषय रिकॉर्ड भी नहीं छोड़ू, सब मजा भी लू दुनिया का, और ऊपर से भगवान भी मिल जाए मुफ्त। जो इंद्रियों का सुख लेता है वो अति इंद्रिय आनंद नहीं लेगा। जिसकी इंद्रिया बाहरमुख है वो अंतर्मुख नहीं होती। जिसको अंतर्मुखता का आनंद आ गया वो बाहरमुख नहीं जाए, बाहर नहीं जाए। जहां जहां इंद्रियां जाती है, बाहर कुछ देखती है, बाहर कुछ सुनती है, बाहर कुछ भोगती है, वही बंधन है। एक भी दुनिया में तुमने सुख लिया तो ये बंधन की कड़ी पड़ गई। एक सुख दुनिया में, एक भोग भोगा, एक सुख लिया, एक इंद्रियों को बाहर से सुख दिलाया, ये बड़े में बड़ा रस्सा तुमने अपने गले में डाल दिया। एक भी इच्छा तुमने पूर्ण किया सच समझ के बाहर से, भाई ये तो सच है ना, ये तो बहुत मजा है ना, बाहर से खुशी लिया तो सजा भी मिलेगी, मजा लिया तो सजा मिलेगी। उधर ही होटल है, उधर ही सामने हॉस्पिटल है। होटल से चिकन वेकन खाके, गरम मसाला खाके, रात में पेट में दर्द पड़ा, सीधा पड़ा हॉस्पिटल। होटल भी बहुत बिजी है, बहुत होटल में भी जगह नहीं है और हॉस्पिटल में भी जगह नहीं, जितना मजा उतना सजा। तो तुमने आप ही मजा लेके सजा भोगी, आप ही तुमने मांगा था ट्रबल तभी तुमको मिला। तुमने बंधन माना है, अभी तुम बोलो मैं मुक्त हूँ। जो निरिच्छा है वो मुक्त है, इच्छा वाला बंधन है। बस एक ही बात, तुमको कोई ना कोई इच्छा है, इसके लिए तुमको बंधन है, तुमको कोई नहीं छोड़ेगा। बाहर से ऐसा दिखाई देगा जैसे ये मेरे को बांध के बैठा है, घर वाला ना मेरे को छोड़े तो मैं बस 24 घंटा बैठ के भगवान का भजन करूँ। घर वाले ने बोला है क्या कुछ? तुमको बोला है क्या? घर वाले को तो जरूरत भी नहीं है तुम्हारा, घुल जाता है घर में, कुत्ते की तरह सब पूछ लटका के घर में बैठा है, बाकी जरूरत किसकी नहीं है, किसको भी नहीं है। तुम आज ही मर के देखो, झूठ मूठ में मर के देखो, बोलेगा जल्दी अभी निकले, लाश को जला के आओ, पीछे मैं खाना खाऊ, सबको घर में भूख लगेगी। तुम खाली मरो तो सबको भूख लगेगी। अभी कितने बजे इसको उठाएगा भाई? इतना दो दिन रखेगा, चाय कैसे पिएगा, दूध कैसे पिएगा, खाका कैसे खाएगा, हमारा तो खाना पीना ही आराम हो गया। अरे बाबा मरा है जल्दी उठाओ, ऐसा बोलेगा कि तुमको बोलेगा क्यों मरा? स्वार्थ की वजह से थोड़ा टाइम रोएगा, स्वार्थ जितना जितना तुमने जिसका स्वार्थ पूरा किया होगा तो थोड़ा टाइम रोएगा। 12 दिन के अंदर ऐसा ऐसा दम दुमा करके फिर तुमको भूल जाएगा, फिर सब अपने अपने काम में बिजी। किसको जरूरत है तुम्हारी? दुनिया से जो गए उसकी जरूरत है? अरे प्राइम मिनिस्टर जाता है, गवर्नर जाता है, जनरल जाता है, बाप जाता है, दादा जाता है, बेटा जाता है, सबको भूल जाता है, सब अपने अपने सुख में फिर बिजी हो जाता है। लेकिन तुम जब जीता है तो बोलता है मैं बहुत यूजफुल हूँ, मैं घर में ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरे से ये कैसा चलेगा? तो लद्दे पी के तरह तुमको जब बांध देगा ना इधर, तब तुम्हारी स्त्री बेटा बहुत खुश होगा, उसी दिन बोलेगा इसको बाप बेटा इधर बांध दिया है, बहुत अच्छा, घर में नहीं आवे तो अच्छा है, कुड़कुड़ करता है, सबके लिए एक एक रूम बनाते हैं अभी, नहीं तो तुम करते हैं घर भाग जाते, बड़ी बीमारी हो जाती है। इसके लिए तुम थोड़े बुखार को छोड़ नहीं देना भाई, बहुत तो हमारा कोई इच्छा नहीं है, थोड़ी इच्छा है। अरे एक इच्छा भी जन्म मरण में लेके जाएगी, थोड़ा सा द्वेष, थोड़ी सी इच्छा अगर अपने पास रखी है तो ये जहर ही काफी है। समझो तुम एक जहर की गोली खाली रखता है अपने घर में, तुमको पता है रखी है, टाइम पर जब तुम दुखी होएगा ना वो एक गोली निकाल के खाकर मर जाए। तो थोड़ी सी इच्छा, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा द्वेष, थोड़ा सा द्वेष बाकी है,
ये बात की निकालो आज, तुम नीचे जाएगा मर जाएगा तो किधर जाएगा? एक सेकंड के बाद तुम नहीं होगा तो कौन सी टिकट तुमने लिया है? नहीं करेंगे उस वक्त।